हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डलावे। सो मिसेस डलावे पे आज हम करेंगे 50 एमसीक्यू, और ये सभी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का लाइफ स्पैन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 1882 टू 1941। सो वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 25 जनवरी 1882 में एंड शी डाइड ऑन 29 मार्च 1941। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स फर्स्ट नॉवल। वर्जीनिया वुल्फ का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? ऑप्शन सी द वॉयज आउट वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी मूवमेंट इज़ वर्जीनिया वुल्फ ऑफन एसोसिएटेड विद। सो वर्जीनिया वुल्फ किस लिटरेरी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी? मॉडर्निज्म के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड हर हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ। सो वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड ने मिलकर कौन सी पब्लिशिंग कंपनी को फाउंड किया था? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हॉगार्थ प्रेस। सो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कभी कभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल इज कंसीडर्ड अ पायनियरिंग वर्क ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने वाला पायनियरिंग नॉवल कौन सा कहलाता है? सो वो नॉवल है मिसेस डलावे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट एसे। सो इनका एक फेमिनिस्ट एसे है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका टाइटल क्या है? सो टाइटल है उस एसे का अ रूम ऑफ वंस ओन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डलावे इज सेट इन। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल मिसेस डलावे सेट है वन डे इन मिड जून 1923 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल इज सेट इन अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ इट्स प्रोटागोनिस्ट। सो जैसे कि मैंने अभी बताया मिसेस डलावे सेट है 1923 के मिड जून के एक सिंगल डे में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर सम ऑफ द नोटेबल मेंबर्स ऑफ द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक सर्कल नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप ऑफ विच वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ की फिगर। सो ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पर मेंबर्स और आर्टिस्टिक क्रिटिक कौन है यहाँ पर, जिसकी वर्जीनिया वुल्फ भी एक की फिगर थी। सो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के वो हैं लिटन स्ट्रेची एंड वीटा सैक्विले वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मिसेस डलावे पब्लिश्ड। सो मिसेस डलावे जो नॉवल है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1925 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन मिसेस डलावे। सो मिसेस डलावे की जो प्रोटागोनिस्ट हैं इनका फुल नेम क्या है? सो इनका फुल नेम है क्लैरिसा डलावे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the setting of Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway की setting क्या है? So setting है London, England. इसके बाद next question है What is the primary narrative technique used in Mrs. Dalloway? So Mrs. Dalloway में जो primary narrative technique use हुई है वो है stream of consciousness. इसके बाद next question है Who is सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। सो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ भी इस नॉवल के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनकी स्टोरी भी पैरेलली चलती है इस नॉवल में। और सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो हैं वो हैं अ वॉर वेटरन सफरिंग फ्रॉम PTSD। सो ये PTSD याद रखना है आपको, ये है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक वॉर वेटरन है, वर्ल्ड वॉर वन लड़के आए थे और उसके बाद ये एक स्ट्रेस यानी कि एक ट्रोमेटिक स्ट्रेस की सिचुएशन में चले गए थे जहां इमोशंस फील होना ही इनको बंद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इवेंट इज क्लैरिसा डलावे प्रिपेयरिंग फॉर थ्रू आउट द नॉवल। सो थ्रू आउट द नॉवल क्लैरिसा डलावे
किस इवेंट की तैयारी कर रही हैं। सो क्लैरिसा डेला भी तैयारी कर रही हैं एक डिनर पार्टी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक इन द नॉवल मिसेस डेलावे। सो शेल शॉक से कौन सफ़र कर रहा है इस नॉवल में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, जैसे कि इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये PTSD यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और जिसे आप शेल शॉक भी कह सकते हैं, उससे सफ़र कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीटर वेल्श's रिलेशनशिप टू क्लैरिसा डेलावे। सो इस नॉवल में पीटर वेल्श नाम के कैरेक्टर हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है क्लैरिसा डेलावे के साथ। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सो पीटर वेल्श चाइल्डहुड फ्रेंड एंड फॉर्मर स्यूटर थे क्लैरिसा डेलावे के। सो ये क्लैरिसा डेलावे से प्यार करते होते हैं, लेकिन क्लैरिसा डेलावे इनसे शादी करने से इनकार कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मिसेस डेलावे। मिसेस डेलावे की सेंट्रल थीम क्या है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज वर्जीनिया वुल्फ यूज टू डेल्व इनटू द कैरेक्टर्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो वर्जीनिया वुल्फ कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज करती है कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और फीलिंग्स में घुसने के लिए। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज हॉन्टेड बाई मेमोरीज ऑफ हिज फ्रेंड इवांस हु डाइड ड्यूरिंग द वॉर। सो कौन सा कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड की मेमोरीज से हॉन्टेड होता है, जो कि वॉर में मर गया था। सो यहाँ पर वॉर वेटरन है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, इनका फ्रेंड इवांस जो है उसकी वर्ल्ड वॉर में डेथ हो जाती है और उसकी मेमोरीज इनको बार बार हॉन्ट करती है। ये बार बार अपने फ्रेंड को हेल्यूशिनेट करते हैं, जिस वजह से इनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, मेंटल इलनेस इनको होती है, इसलिए ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैरिसा डेलावेज हस्बैंड। सो क्लैरिसा डेलावे के हस्बैंड का क्या नेम था। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिचर्ड डेलावे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर रेजिया और लुक्रेजिया भी इनका नेम है, लुक्रेजिया वॉरेन स्मिथ। सो वॉरेन स्मिथ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, शी इज़ सेप्टिमस वाइफ एंड केयर टेकर। सो जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ यानी कि जो वॉर वेटरन हैं उनकी वाइफ हैं, इनका नाम है रेजिया और लुक्रेजिया, दोनों ही नामों से इन्हें जाना गया है इस नॉवल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शेल शॉक्ड वेटरन सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ टू दी नॉवल। सो नॉवल में क्या इम्पोर्टेंस है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की, जो शेल शॉक यानी कि एक ट्रोमेटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ही रिप्रेजेंट्स द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन, यानी कि जो पोस्ट वॉर जनरेशन के माइंड में डिसइल्यूजनमेंट था और उनकी मेंटल हेल्थ जो गिर चुकी थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस नॉवल में सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिसेस डेलावे। सो मिसेस डेलावे का नैरेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन लीनियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर सुसाइड इज़ अ पिविटल इवेंट इन द नॉवल। सो किस कैरेक्टर का सुसाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस नॉवल में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ एंड डॉक्टर ब्रेडशो। सो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ एंड डॉक्टर ब्रेडशो के बीच में क्या रिलेशनशिप था। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर सैली सीटन इन मिसेस डेलावे। सो मिसेस डेलावे में सैली सीटन नाम के कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस या क्या महत्व है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, शी रिप्रेजेंट्स क्लैरिसा डेलावेज लॉस्ट यूथ एंड फ्रीडम, क्योंकि ये इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, सो इनके लॉस्ट यूथ और फ्रीडम को ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैरिसा डेलावेज डॉटर। सो क्लैरिसा डेलावे की जो डॉटर है उसका क्या नेम है यहाँ पर, एलिजाबेथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज़ प्री ऑक्यूपाइड
विद थॉट्स ऑफ हिज फेल्ड मैरिज एंड लॉस्ट लव. सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पीटर वेल्श. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर द थीम ऑफ टाइम इन मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे में थीम ऑफ टाइम को कैसे एक्सप्लोर कर रही हैं वर्जीनिया वुल्फ. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थ्रू द पैसेज ऑफ अ सिंगल डे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैरेक्टर पीटर वेल्श सिंबलाइज इन मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे में जो कैरेक्टर है पीटर वेल्श, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है. सो पीटर वेल्श सिंबलाइज करते हैं रिग्रेट एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज को. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज प्लानिंग टू पब्लिश अ बुक ऑन ब्रिटिश पॉलिटिक्स. सो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर एक ब्रिटिश पॉलिटिक्स पर बुक पब्लिश करने का प्लान कर रहा है इस नॉवल में. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लेडी ब्रिटन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ यूजेस सिंबॉलिज्म इन मिसेस डलावे. वर्जीनिया वुल्फ ने सिंबॉलिज्म कैसे यूज़ किया है मिसेस डलावे में. सो ऑप्शंस हैं थ्रू द मोटिव ऑफ फ्लावर्स, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, थ्रू द इमेजरी ऑफ बर्ड्स और ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ इन मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे में एलिजाबेथ के कैरेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस या क्या सिग्निफिकेंस है. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, शी रिप्रेजेंट्स द यंगर जनरेशन. सो यहाँ पर एलिजाबेथ यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैरिसा डलावेज चाइल्डहुड फ्रेंड हु विजिट्स हर ऑन द डे ऑफ द पार्टी. सो पार्टी के दिन उनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड उनको विजिट करती हैं, उनका क्या नेम है. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सैली सीटन. यहाँ पर क्लैरिसा डलावे की चाइल्डहुड फ्रेंड है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कैरेक्टर सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ डाई. सो जो कैरेक्टर सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है, इनकी मौत कैसे होती है इस नॉवल में. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही जंप्स आउट ऑफ अ विंडो. ये एक विंडो से कूद जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कैरेक्टर लेडी ब्रिटन इन मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे में लेडी ब्रिटन का क्या रोल है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शी इज़ द पॉलिटिशियंस वाइफ हु होस्ट अ लंचियन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जंप्स आउट ऑफ द विंडो. सो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो खिड़की से क्यों कूदते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही थिंक्स दैट डॉक्टर होम्स इज अ मॉन्स्टर हु वॉन्ट्स टू किल हिम. सो डॉक्टर होम्स को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि एक मॉन्स्टर है जो उन्हें मार डालना चाहते हैं, इस वजह से वो खिड़की से कूद जाते हैं जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज एलिजाबेथ्स ट्यूटर इन मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे में जो इनकी डॉटर है एलिजाबेथ, उनकी ट्यूटर कौन है. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मिस किलमैन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर द थीम ऑफ मेंटल इलनेस इन मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे में मेंटल इलनेस की थीम जो है वो कैसे एक्सप्लोर की गई है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर डॉक्टर ब्रेडशॉ प्ले इन द नॉवल मिसेस डलावे. सो मिसेस डलावे नॉवल में डॉक्टर ब्रेडशॉ का क्या रोल है. सो डॉक्टर ब्रेडशॉ इसमें साइकाइट्रिस होते हैं सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ यूज द कैरेक्टर ऑफ रेजिया वॉरेन स्मिथ टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ केयर गिविंग. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेजिया केयर्स फॉर हर हस्बैंड सेप्टिमस हु सफर्स फ्रॉम PTSD. सो रेजिया वाइफ होती है सेप्टिमस की और उनकी काफ़ी केयर करती हैं जो कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ्स वाइफ वॉज. सो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जिनकी वाइफ थी रेजिया लुक्रेजिया, वो क्या थी, वो एक इटालियन वुमेन थी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वर्जीनिया यूज द कैरेक्टर ऑफ सैली सीटन टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सेक्शुअलिटी एंड फ्रीडम.
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैली चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कैरेक्टर लेडी रूस्टर इन मिसेस डलावे। सो मिसेस डलावे में लेडी रूस्टर्स जो हैं इनका क्या रोल है। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शी इज़ द हॉस्टेस ऑफ अ चैरिटी इवेंट अटेंडेड बाय क्लैरिसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आस्क क्लैरिसा आर यू हैप्पी। सो क्लैरिसा से कौन ये क्वेश्चन पूछता है, आर यू हैप्पी इन योर मैरिज। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पीटर वेल्श पूछता है क्लैरिसा से आर यू हैप्पी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेक्सुअलिटी इनकॉर्पोरेट्स इन मिसेस डलावे थ्रू। सो होमोसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है मिसेस डलावे में थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ मिसेस डलावे एंड सैली सीटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ ओरिजिनली टाइटल्ड मिसेस डलावे एज। सो वुल्फ ने इस नॉवल मिसेस डलावे को ओरिजिनली किस नेम से टाइटल किया था, द आवर्स नेम से। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया वुल्फ वॉज द मेम्बर ऑफ द फेमस। सो वर्जीनिया वुल्फ मेम्बर थी फेमस ब्लूम्सबरी ग्रुप की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द कॉज ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स डेथ। वर्जीनिया वुल्फ की डेथ का क्या कारण था। सो वर्जीनिया वुल्फ किल्ड हर सेल्फ बाई कमिटिंग सुसाइड। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 50 MCQ किए वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल मिसेस डलावे पे। सो कैसे लगे आपको ये MCQs, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 50 ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।